अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे का दिन और क्या हुदा हादिया ने स्कूल ड्रेस वेयर किया भाई? क्यों? तो भाई आज है हुदा हादिया के स्कूल में ओपन डे, यानी के हम पूरा स्कूल विजिट कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्कूल विजिट करवाने की क्या नीड पड़ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों है? क्योंकि मैंने इस स्कूल का एक ड्रीम दिया हुआ था कि मैं अपनी बच्चियों को जो है वो इस स्कूल में एडमिशन जरूर करवाऊंगी। हर स्कूल की तरह ये भी एक स्कूल ही है, इसमें कोई वो नहीं है, बट गर्ल्स के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको इसमें सिर्फ गर्ल्स मिलेंगी, यहाँ पे बच्चियों की बेस अच्छी बनती है, यहाँ पे बच्चियाँ जो चाहे वो कर सकती हैं। और एजुकेशन के हिसाब से हर चीज के आपको यहाँ पे बच्चियों को अच्छे से अच्छे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे आपको बच्चियों का बैंड मिलेगा, यहाँ पे आपको बच्चियों का एजुकेशन अच्छा मिलेगा हर लिहाज से। यहाँ देखे बच्चों ने अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए हुए हैं, खाने पीने के, फूड के, मेकअप वगैरह के, सब कुछ, एवरीथिंग। स्कूल काफी बड़ा है, जितना विजिट करवा सकी इतना ही करवाऊंगी। मैं ऊपर नहीं गई क्योंकि अलाउ था, बट टाइमिंग बहुत शॉर्ट था मेरे पास और मैं नहीं करवा सकती थी। बाकी मैंने चाहा कि मैं आपको जरूर विजिट करवाऊं इनका स्कूल। एक होता है ना एज अ पेरेंट्स के हम बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बस किसी तरीके से भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हाई एजुकेशन मिले और बच्चा आगे जाके कुछ बन जाए। बस हम पेरेंट्स की यही एक होती है कि बस हमें बच्चों को फ्यूचर में कुछ करते हुए देखना है, उसके लिए हमें इसके अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे के साथ साथ। बच्चे को जो है वो पेरेंट्स ही आगे बढ़ाते हैं, बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब हम फैमिली में मैरिड करके आए थे, मैं और मुनीरा एक साथ हमारी शादी हुई थी, तो हमारी फैमिली में कोई एजुकेशन का इतना कोई खास स्कोप नहीं था और हम फाइनेंशियली भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट एक चाह थी कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। बस इस चाह ने हमें जो है स्ट्रगल करने पे मजबूर कर दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप ये ना सोचे कि पैसे वालों के बच्चे ही अच्छा पढ़ते हैं या पैसे वालों के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये आप देखते जाएं बच्चों ने किस तरीके से अपने हैंड में, ये सारा हैंड मेकिंग है, सब कुछ हैंड मेकिंग है और बच्चों ने अपना एफर्ट्स अच्छे से दिखाए, ये सारा बच्चियों का ही काम किया हुआ है। तो ये ना सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं हमने किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम बच्चों को मॉन्टेसरी में एडमिशन करवाने गए थे, हमारे बच्चे 15 मंथ के थे और हमारे पास ऑटो का रेंट नहीं होता था। अगर हमने एक बार बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया तो फिर अगर हम घर पे जाते, घर भी बहुत दूर था, डिस्टेंस भी ज्यादा था, तो फिर हम जो है हमारे पास इतना रेंट नहीं था कि हम दोबारा स्कूल बच्चों को पिक करने जाए। ना ही गाड़ी थी, ना ही फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग थे, बट चाह थी करना है। तो हमने जो है वो दो दो तीन तीन घंटे स्कूल के बाहर, मॉन्टेसरी के बाहर खड़े होते थे मैं और मुनीरा, यहाँ तक कि इतनी कड़ी धूप होती थी और स्कूल मॉन्टेसरी अच्छा था तो मैम बाहर खड़ा भी नहीं रहने देती थी। हम मार्केटों में घूमते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे कि 3 घंटे हमें किसी भी तरीके से निकालने हैं, बट बस और कुछ हमें नहीं चाहिए, तो हम करते थे। तो आपका बच्चा है, आपको भी करना है, इससे बच्चा कुछ ना कुछ बन के किसी ना किसी कैटेगरी में इंशाल्लाह हम देखेंगे इन फ्यूचर हम अपने बच्चे को देखेंगे। दुनिया तो देनी है, दीन भी साथ साथ रखना है। बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम में इन्वॉल्व नहीं करना, एज अ मुस्लिम हमें बच्चों को जो है वो दीनी तालीमात भी देनी है। बट अभी मैं बात कर रही हूँ स्कूल के हवाले से, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में जो है ना अच्छे अच्छे पैसे वालों के बच्चों को बिगड़ते हुए और गरीब से गरीब बच्चों को जो है ना अब के बच्चों को मैंने बहुत कुछ बनते हुए देखा है।
मैंने डॉक्टर लॉयर अच्छे अच्छी कैटेगरी में मैंने जो है ना गरीबों के बच्चों को देखा है, स्कॉलरशिप होती है, फीसेस कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूलों में ऐसा कुछ हमें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। एवरीथिंग हमने सोचना है, हमने करना है, हमारी थिंकिंग में एक चीज को हमें ग्रो देना है, बस तो करना है। अब ये देखो हाजिर की परफॉर्मेंस आ गई, लेट्स बताएं। बताएं। मैं बताऊं? ओके चलें। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल में कैंडी खाई इन्होंने, कॉटन कैंडी, फिर फोटो शूट किया और हम आ गए घर आराम करने। ये हादी कहाँ से आ गया? तो ये हादी के स्कूल भी नहीं है, हुदादिया के स्कूल भी नहीं है, और वहाँ पर तो जो है वो गर्ल्स का स्कूल है, तो ये कहाँ है? ये है हादी पीएफ में। बहरिया स्कूल वालों का फेस्टिवल था,
सुहादी अपने स्कूल की तरफ से जो गए थे संडे वाले दिन फेस्टिवल में। काफी अच्छा स्कूल है, काफी बेस्ट स्कूल है। मेरी जो है वो बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। तो जी मैंने जो है वो हबीब गर्ल्स को, मुझे गर्ल्स का सेपरेट सिस्टम चाहिए था तो मैंने हबीब गर्ल्स को ही मेरा फर्स्ट चूजिंग पॉइंट था। और बहरिया हादी वो एज अ बॉय तो इसके लिए ये बेस्ट था, तो इसके पेरेंट्स ने जो है इसको प्रिफर किया। और स्टडी के हवाले से बेस्ट स्कूल है। एनवायरनमेंट आह लश, क्या कहूँ मैं स्कूल के एनवायरनमेंट का बेस्ट। अगर मेरा जाना हुआ तो मैं आपको विजिट जरूर करवाऊंगी। बाकी आप ही बताइए आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो दफा कीजिए जी और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और मुझे आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ध्यान रखें। प्लीज यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।